नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। एक बार की बात है कि एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, उदार दिल के, जिसको जो चाहिए उसको दे देते, लेकिन नाम लिख लेते। कितना कर्जा चाहिए दे दो, नाम लिखा जाओ, और अपने मुनीम से पूछवाते कि इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में। जो कहता कि इसी जन्म में लौटा देंगे उसका नाम भी लिख देते, जो कहता कि अगले जन्म में लौटाएंगे उसको भी देते और उसका नाम भी लिख लेते। एक दिन एक चोर ने सोचा कि सेठ जी के पास कितना पैसा है जो अगले जन्म तक उधार दे रहे हैं, तो मैं इनका पैसा देखना चाहता हूं, मैं चोरी करूं, लूटूं इनका पैसा। तो वो कैसे देखता तिजोरी कहां है, तो उधार मांगने आ गया। सेठ जी तो थे ही देने वाले, उन्होंने मुनीम जी को बुलाया कि ये सज्जन आए हैं, इनको कुछ उधार चाहिए तो दे दीजिए। मुनीम जी ने पूछा कितना, और उन्होंने बता दिया। कब दोगे, इस जन्म की अगले जन्म? चोर ने कहा अगले जन्म। ठीक है, नाम लिख दिया और उन्होंने तिजोरी खोली और उसको जो चाहिए दे दिया। अब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, इतना धन, इतने पैसे, सेठ जी आप तो गए, आज तो आपकी तिजोरी साफ। और वो बाहर नहीं जाके वो भैंसों के तबेले में गया और छुप गया वहां। रात होते ही चोरी कर लूंगा, अभी मैं छुप जाता हूं यहीं पर। अभी वो छुपा हुआ था, शाम हो गई। अब एक भैंस आई और एक भैंस दूसरी भैंस से बात करने लगी, उसको सब समझ में आ रहा था। उसने बोला क्या तुम आज नहीं आई हो? उसने बोला हाँ मैं आज ही आई हूँ, पिछले जन्म में सेठ जी का कर्जा लिया था, दूध दे दे के चुका दूंगी। और दूसरी तुम कब से हो यहाँ? बोली मैं तो 3 साल से कर्जा चुका रही हूँ, जब कर्जा खत्म होगा या तो चल बनूंगी या कहीं और ठिकाना बन जाएगा। तो उसकी फिर से वो उसका दिमाग घूम गया चोर का, भाई कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले जन्म, कैसे भी। भाग भाग के आया, मुनीम को बुलाया, वापिस जितना उधार लिया था वापिस किया, नाम कटवा दिया खाते से कि मैं कर्जा कर्जदार नहीं बनना चाहता। तो दोस्तों हमने सीखा कि कर्जा तो हमें चुकाना ही पड़ेगा, इस जन्म में या अगले जन्म में। इस जन्म में अगर चुकाते हैं तो वेल एंड गुड, अगले जन्म में सेवादार बनना पड़ेगा, चाहे घर में आना पड़ेगा, पति बनना पड़ेगा, पत्नी बनना पड़ेगा। किस रूप में आप आएंगे, कितना कर्जा लिया उसके अनुरूप आपका स्थान होगा। पड़ोसी, मित्र, माँ बाप, बच्चे, रिश्तेदार किसी भी रूप में आ सकते हैं, घर के नौकर चाकर कर्जे लिए होते हैं। तो दोस्तों हम ना किसी से कर्जा लें अगले जन्म तक, ना किसी की सेवा, ना किसी के सेवादार बने। कोशिश करें कि इसी जन्म में जो कर्जा लिया है उसको चुका दें, ताकि हमें अपनी सेवा कर करके कर्जा ना चुकाना पड़े। नमस्कार, जय हिंद।